तो फॉर्मूला कौन सा किया? पावर। पावर का फॉर्मूला क्या है? एनर्जी बाय टाइम। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला कोई भी पुट कर दें, एम एल टू टी माइनस टू, डिवाइडेड बाय क्या? टाइम। टाइम ऊपर गया तो टी रेज टू पावर क्या आया? माइनस थ्री। नेक्स्ट फॉर्मूला इज लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम या सिंपल मोमेंटम, इसका सिंबल क्या होता है? पी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी। मास का डायमेंशन क्या होता है? एम। और वेलोसिटी का क्या होता है? एल टी माइनस वन। तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? एम एल टी माइनस वन। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? तो लीनियर मोमेंटम का मास इंटू वेलोसिटी, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट फॉर्मूला इज प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला इज एम एल टी माइनस टू और एरिया का एल का स्क्वायर। तो एल से एक एल कैंसल, तो आंसर इज एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका? प्रेशर का। ठीक है यहाँ तक? क्लियर है? तो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट फॉर्मूला इज स्ट्रेस। स्ट्रेस इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। सेम। तो डायमेंशन फॉर्मूला भी एग्जैक्टली सेम। आप कहेंगे फ़र्क क्या है फिर? प्रेशर और स्ट्रेस तो एक ही बात है। एक ही बात है। प्रेशर जो है टर्म, वो नॉर्मली यूज़ किया जाता है लिक्विड्स को लेके, लिक्विड का प्रेशर है। और स्ट्रेस जो वर्ड है वो नॉर्मली यूज़ किया जाता है सॉलिड्स को लेके। जैसे एक रॉड है, रॉड के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है? नहीं, रॉड के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता, रॉड के ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है। पानी दे दो। ओ, कोई ठीक है। ठीक है, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। नेक्स्ट, स्ट्रेस के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रेन। स्ट्रेन, स्ट्रेन इज चेंज इन डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। आप ये फॉर्मूला लिखें, मैं समझाता हूँ एग्जैक्टली ये है क्या। ठीक। तो इसको समझने के लिए, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, इसको समझने के लिए थोड़ा एक बार बैकग्राउंड समझते हैं कि ये फॉर्मूलाज कहाँ काम आ रहे हैं। तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सुनना है आपको, सिर्फ टेबल ही देखना है। सिर्फ 2 मिनट के लिए आप एक चीज़ को समझें कि मान लो आपके पास कोई भी एक वायर है, ठीक है, एक थिक वायर है, ये लो, ये आपके पास एक वायर है और इस सीलिंग से हमने इसको टांग दिया, सच दैट ये जो एरिया है, इसका जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है, सपोज वो कितना है? वो ए है। और लेंथ वायर की कितनी है? एल है। क्लियर है यहाँ तक? अब मान लो आपने क्या किया, आपने इस वायर को खींच दिया और थोड़ा लंबा कर दिया। कैसे? आपने इसको अप्लाई किया फोर्स एफ। एफ फोर्स अप्लाई किया, खींच दिया, लंबा कर दिया, इसको स्ट्रेच कर दिया। अब इसकी नई लेंथ कितनी है? एल डैश है। तो जो नई लेंथ है वो कितनी है? वो एल डैश है। तो अगर मैं ये पूछूं कि इसमें इंक्रीज इन लेंथ कितनी है, इंक्रीज इन लेंथ कितनी है, आप बोलेंगे एल डैश माइनस एल, जो कि कितना है?
डेल्टा एल, डेल्टा एल का मतलब चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ का मतलब एल डैश माइनस एल। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? अब अगर मैं ये पूछूँ कि इसका कौन सा डायमेंशन चेंज हो रहा है, तो आप बोलेंगे इसमें लेंथ चेंज हो रही है। तो इसमें कौन सा डायमेंशन चेंज हो रहा है? इसमें लेंथ का डायमेंशन चेंज हो रहा है। कितना डायमेंशन चेंज हुआ? डेल्टा एल। ओरिजिनल कितना था? एल। तो इसके अंदर अगर मैं पूछूं कि स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन, तो आप बोलेंगे चेंज इन डायमेंशन, डायमेंशन कितना चेंज हुआ? डेल्टा एल। और ओरिजिनल लेंथ कितनी है? एल। तो डेल्टा एल बाय एल क्या आ गया इसमें? स्ट्रेन, राइट? ठीक है यहां तक? जैसे और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो आपके पास ये एक बॉल है, सॉलिड बॉल है। इस सॉलिड बॉल को हर तरफ आपने क्या लगाया? फोर्स लगा दी। तो ये सॉलिड बॉल थोड़ी सी क्या हो जाएगी? कंप्रेस हो जाएगी, थोड़ी कंप्रेस हो जाएगी। जैसे मान लो, जैसे आप इसको सी वाटर, सी के अंदर ले जाओ, 25 किलोमीटर नीचे ले गए, पानी का इतना ज़बरदस्त प्रेशर होता है कि बॉल को छोटा कर देता है। अगर हम भी जाएंगे, हमारा भी सर दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा पानी के नीचे, क्योंकि पानी हमारे ऊपर क्या लगाता है? प्रेशर। ठीक है यहाँ तक? तो प्रेशर लगाएगा और इस ये थोड़ा कंप्रेस हो जाएगा। तो अगर इसका ओरिजिनल वॉल्यूम V था, तो नया वॉल्यूम कितना हो गया? V डैश। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना है? V माइनस V डैश। तो इसमें कौन सा डायमेंशन चेंज हुआ? वॉल्यूम चेंज हुआ। तो इसमें स्ट्रेन क्या होगा? इसमें जो स्ट्रेन की वैल्यू होगी वो होगी डेल्टा V बाय V। क्लियर है यहाँ तक? तो वॉल्यूम में कितना चेंज है? डेल्टा V। ओरिजिनल कितना है? V। कोई स्टूडेंट बोलता है क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ या दिस इज फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम? बोल सकते हैं, ये फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ है और वो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? अब बोल सकते हैं ये स्ट्रेन है। अगर मैं इसके यूनिट्स पूछूँ, डायमेंशन फॉर्मूला पूछूँ क्या होगा, तो आप मुझे बताएं कि स्ट्रेन में लेंथ ये किस में मेजर करते हैं? मीटर में। डेल्टा एल अगर मीटर में है तो इसका डायमेंशन क्या है? एल। और डिनोमिनेटर भी मीटर में है तो डायमेंशन क्या है? एल। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा? वन। कुछ भी नहीं आएगा, ये डायमेंशन लेस है। अगर हम वॉल्यूम से स्टार्ट करें तो वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? एल का क्यूब। चेंज इन वॉल्यूम एल का क्यूब, ये भी एल का क्यूब, तो आंसर क्या आएगा? वन। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो स्ट्रेन किसी भी टाइप का हो, उसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं आएगा। क्लियर है? हाँ, वैसे आपको बता दूं मैं कि अगर लेंथ में स्ट्रेन है, लेंथ के अंदर स्ट्रेन को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और अगर वॉल्यूम में स्ट्रेन है, इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। पर मेरे हिसाब से आपको कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि आपको क्वेश्चन में सिर्फ स्ट्रेन वर्ड गिवन होगा। स्ट्रेन तो कई तरीके के हो सकते हैं, कोई लेंथ में चेंज है, कोई ब्रेथ में चेंज है, कोई वॉल्यूम में चेंज है, कोई किस में चेंज है। तो इसका जो फ्रैक्शनल चेंज आएगा, उसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इस बात को समझें कि एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है इलास्टिसिटी। चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी। हम डिस्कस करेंगे, हम स्टडी करेंगे इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं कि कोई भी बॉडी पे अगर आप क्या लगाते हैं? स्ट्रेस। तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाता है? स्ट्रेन। देखो, अगर आप फोर्स एरिया पे लगाएंगे तो उसका डायमेंशन चेंज होगा, तो बॉडी में क्या प्रोड्यूस होगा? स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। एक हुक्स नाम का साइंटिस्ट था जिसने रिजल्ट हमें बताया था कि स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब इसमें जो स्ट्रेस है वो सम कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेस जो है वो क्या होगा? सम कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन, क्योंकि प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, इक्वल टू आएगा, तो क्या लगेगा? कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होगी? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, ये भी क्लियर है यहाँ तक? अब ये जो स्ट्रेन है, ये तो कई टाइप के हो सकते हैं। स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है, स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक हो सकता है, स्ट्रेन और किसी टाइप का भी हो सकता है। तो डिनोमिनेटर चेंज होगा तो कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। तो नॉर्मली स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो को एक नाम दिया गया, इस कांस्टेंट को नाम दिया गया, इस कांस्टेंट का नाम है कोफिशेंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोफिशेंट ऑफ इलास्टिसिटी, इस कांस्टेंट का नाम क्या है? कोफिशेंट ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब कांस्टेंट ऑफ
इलास्टिसिटी, एक ही बात है। तो अगर मैं ये बोलूं कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या सिंपल इलास्टिसिटी एक ही बात है, तो उसका फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था अभी हमने किया था? कितना? एम एल माइनस वन टी माइनस टू। और स्ट्रेन का तो कुछ होता ही नहीं। तो जो स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला है वही फॉर्मूला इलास्टिसिटी का होगा, वही फॉर्मूला कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी का होगा, वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का होगा। तो फॉर्मूला विल रिमेन सेम। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? और अभी लिखना नहीं है, मैं लिखाऊंगा अभी। तो ये कहानी क्लियर है। अब क्योंकि स्ट्रेन कई टाइप के हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको अभी स्ट्रेन का नाम क्या लिख के दिया, जैसे स्ट्रेस डिवाइडेड बाय, एक स्ट्रेन क्या था? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेन की जगह लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और एक और स्ट्रेन था जिसका नाम था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो अगर मैंने स्ट्रेन चेंज कर दिया तो कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा? चेंज होगा ऑब्वियसली। तो स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की अगर बात करते हो तो इसकी रेशियो को, जो इलास्टिसिटी है, इसको क्या बोलते हैं? कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये काम एक साइंटिस्ट ने किया था जिसका, जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के ऊपर, जिसका नाम था यंग्स, यंग साइंटिस्ट। तो उसने कांस्टेंट को अपने नाम से रखा और कांस्टेंट का नाम क्या रखा? यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, ताकि लोग उसे याद करें। यंग्स मॉडुलस मेरे नाम का कांस्टेंट है, स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, हार्डली मैटर्स। अगर कोई फॉर्मूला आ जाए, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉडुलस, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी में कोई फर्क है ही नहीं, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है। तो जो फॉर्मूला स्ट्रेस का है वही फॉर्मूला कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी का है, वही फॉर्मूला यंग्स मॉडुलस का है। और अगर स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक हो तो एक और नाम दिया गया इस कांस्टेंट को, इस कांस्टेंट का नाम है बल्क मॉडुलस। साइंटिस्ट का नाम नहीं है बल्क ना, बल्क का मतलब है मैटर, कि वॉल्यूम के ऊपर ये काम हो रहा है, तो इसका नाम है बल्क मॉडुलस। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो चाहे आ जाए इलास्टिसिटी, चाहे कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी, चाहे यंग्स मॉडुलस, चाहे बल्क मॉडुलस, चाहे कुछ भी आ जाए इलास्टिसिटी के नाम का, फॉर्मूला विल रिमेन सेम, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, अब हम इसके फॉर्मूलाज बना लें। तो आपको ये कहानी मैंने सुनाई, जो बैकग्राउंड स्टोरी, तो देखो, ठीक, देखो, तो इसके अंदर नेक्स्ट फॉर्मूला, तो नेक्स्ट फॉर्मूला इज, आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन लिख लिया ना, तो नेक्स्ट फॉर्मूला लिखें कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसका फॉर्मूला इज स्ट्रेस, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था? एम एल माइनस वन टी माइनस टू डिवाइडेड बाय स्ट्रेन का वन, राइट? क्लियर है यहां तक? तो ये फॉर्मूला रहेगा इलास्टिसिटी या कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी का, क्लियर है? आपको इससे मतलब ही नहीं है कि ये फॉर्मूला क्या है, आपको इस चैप्टर में सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। मेरी तरफ से आप इसको याद कर लो, आप यही लिख देना। आपसे इस चैप्टर में ये कोई नहीं पूछेगा आपने कैसे निकाला, आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि आप ये लिख दो, बस बात खत्म। अब चाहे अपने मन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लिखो, चाहे वॉल्यूमेट्रिक लिखो, क्या फर्क पड़ता है? आपको तो डायमेंशन फॉर्मूला ही पुट करना है ना, तो हार्डली मैटर। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन कॉमन फॉर्मूला वही रहेगा। लेकिन जब हम चैप्टर पढ़ेंगे इलास्टिसिटी, हाँ उसमें फर्क पड़ेगा, उसमें तो अलग अलग करना पड़ेगा। पर मैं कौन सा आपको इलास्टिसिटी पढ़ा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ एक चैप्टर को इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ उसके बैकग्राउंड को बता के, ताकि एकदम ये फॉर्मूला ऐसा लगे कि फॉर्मूला लिखा और बस काम खत्म हो गया, ऐसा लगे। तो थोड़ा बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली ये फॉर्मूलाज कहाँ से आ रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये फॉर्मूला क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला लिखने से पहले अब फिर से एक बार और बैकग्राउंड सुनो, पहले सुनो फिर फॉर्मूला लिखेंगे। क्या हम 3 महीने जो फिजिक्स पढ़ेंगे
वो फिजिक्स स्ट्रेट लाइन में पढ़ाई जाती है कि बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. तो स्ट्रेट लाइन मोशन को क्या बोलते हैं फिजिक्स में? लीनियर मोशन. तो हम क्या स्टडी करते हैं? लीनियर मोशन. तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? फिर 3 महीने के बाद हम बॉडीज को स्टडी करते हैं जब वो घूमती हैं. घूमने को बोलते हैं सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन या एंगुलर मोशन. घूमने वाली बॉडी को, घूमने की मोशन को फिजिक्स में क्या नाम दिया जाता है? एंगुलर मोशन. तो 2 टाइप की मोशन है, एक लीनियर मोशन और एक एंगुलर मोशन. ठीक हो गया यहां तक? 2 टाइप की मोशन है. लीनियर मोशन के अंदर जैसे आप ये मानते हैं कि बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. जो बॉडी है वो कैसे मूव कर रही है? ना स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं? मान लो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट है एक्स, तो आप बोलते हैं कि बॉडी की लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज एक्स. हम वर्ड लीनियर वर्ड यूज इसलिए नहीं करते बार बार, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं क्योंकि बॉडी हमेशा क्या मानी जाती है? मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है इसमें? एक्स. तो अगर मैं इसे एक्स को टाइम से डिवाइड करूं तो मेरे पास कौन सी वेलोसिटी आएगी? लीनियर वेलोसिटी. ठीक, इसका सिंबल क्या होता है? वी. अगर मैं v को टाइम से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आती है? लीनियर एक्सेलरेशन, जिसका सिंबल क्या होता है? a. कोई डाउट इसमें? ठीक, ये तो मैं पता है. लेकिन जब बॉडी किस में मूव करती है? जब बॉडी मूव करती है इन एंगुलर मोशन, जब घूमती है एंगुलर मोशन में होती है, तो एंगुलर मोशन में जैसे बॉडी रोटेट कर रही है तो इसमें डिस्प्लेसमेंट ऐसे मेजर नहीं करते एक्स में, नहीं ये नहीं होता. इसमें हम करते हैं कि मान लो आपकी बॉडी ए पे है, थोड़ी देर के बाद बॉडी कहां पर आ गई? पी पे आ गई, कवरिंग एन एंगल ऑफ व्हाट? थीटा. तो यहां पर हम ये देखते हैं कि बॉडी ने सेंटर पे एंगल कितना कवर किया. तो एंगल कितना कवर किया? थीटा. तो इसके अंदर हम क्या लेते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या ली जाती है? थीटा. तो जो काम इसमें एक्स करता है वो काम इसमें थीटा करता है. कोई डाउट इसमें? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा. ठीक है यहां तक? तो हम जैसे मान लो बॉडी ने एक चक्कर पूरा कर लिया तो उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 360 डिग्री. एक चक्कर यानी कि सेंटर पे एंगल कितना कवर हो गया? 360. दो चक्कर कितना? 360 × 2. तो यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में हम एंगल कंसिडर करते हैं, सेंटर पे एंगल कितना कवर हुआ. क्या है पॉइंट? क्लियर है? तो अगर मैं इस एंगल को टाइम से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास वेलोसिटी आएगी जिसका नाम क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी. क्लियर है? तो जैसे लीनियर वेलोसिटी का सिंबल क्या होता था? वी. एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल होता है ओमेगा, थोड़ा गोल सा डब्ल्यू, ओमेगा. तो ओमेगा का मतलब क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी. क्लियर है यहां तक? अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन. और एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल क्या होता है? अल्फा. तो जो काम इसमें एक्स करता है वो काम इसमें थीटा करता है, जो काम इसमें वी करता है वो काम इसमें ओमेगा करता है, जो काम इसमें ए करता है वो काम इसमें अल्फा करता है. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो इसका मतलब अगर आप 3 महीने में लीनियर मोशंस ठीक तरह स्टडी कर पाते हो तो आप एक बात पक्की समझो कि आपको एंगुलर मोशन बहुत आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि जो रिजल्ट उसमें यूज होने हैं 3 महीने, वही रिजल्ट इसमें यूज होने हैं अगले 1 महीना. तो बिल्कुल मिलता जुलता है. अगर ये खराब हुआ तो साथ में ये भी खराब होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये फिजिक्स इंटरलिंक्ड हो जाएगी. तो पॉइंट सबको समझ में आ रहे हैं यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो ये हम सब स्टडी करेंगे आफ्टर 3 मंथ्स. एक चैप्टर है जिसका नाम है सर्कुलर मोशन, उसमें स्टडी करवाया जाएगा. पर अभी नेक्स्ट फॉर्मूला इज एंगल. नेक्स्ट फॉर्मूला इज एंगल. अब एंगल के अंदर अगर आपको ये रिजल्ट याद हो 10th का, कि जैसे ये एंगल है, राइट, ये एंगल है, इसको क्या बोलते हैं? आर्क. इसको क्या बोलते हैं? रेडियस. तो आपने ये फॉर्मूला सुना होगा, एंगल इज आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस. क्या है पॉइंट? क्लियर है? एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस. सुना हुआ है फॉर्मूला? ठीक है, ओके. तो ये फॉर्मूला सबने सुना हुआ है.
डायमेंशन फॉर्मूला, आर्क किस में मेजर करते हैं? मीटर्स में, तो क्या आएगा? एल। रेडियस किस में मेजर करते हैं? मीटर्स में, तो क्या आएगा? एल। तो एंगल का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा ये रिजल्ट। एंगल का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, एंगल डायमेंशन लेस होता है, राइट। तो वन लिखें, वन लिखें या एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो, टी की पावर जीरो भी लिख सकते हैं, क्लियर है, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट फॉर्मूला इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल इज ओमेगा। ओमेगा का फॉर्मूला हमने क्या किया था? थीटा बाय टी, अभी किया था ना, एंगल बाय टाइम। एंगल का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? वन। टाइम का क्या होता है? टी। तो आंसर क्या आएगा? टी रेस टू पावर माइनस वन। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का डायमेंशन फॉर्मूला इज टी रेस टू पावर माइनस वन। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, सिंबल इज अल्फा। अल्फा क्या होता है बताओ? ओमेगा डिवाइडेड बाय टी। ओमेगा का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? टी की पावर माइनस वन डिवाइडेड बाय टी। तो आंसर क्या आएगा? टी की पावर माइनस टू। कोई डाउट इसमें? क्या है पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो एंगल भी आ गया, एंगुलर वेलोसिटी भी आ गई, एंगुलर एक्सेलरेशन भी आ गई, ठीक है यहां तक। ठीक, तो कौन सा फॉर्मूला बन गया अभी? कितना नंबर चल रहा है? 19:45 तक टाइम है अभी, ठीक है, तो क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट, इस फॉर्मूले के बाद नेक्स्ट इज, अगर मान लो एक टर्म आ जाती है फ्रिक्शनल फोर्स या फिर विस्कस ड्रैग। फ्रिक्शनल फोर्स सबको पता है, सॉलिड अगर आप एक धक्का मारते हो तो जमीन, जो भी कोई बॉडी ग्राउंड, उसको फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है, और विस्कस ड्रैग होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होती है लिक्विड के अंदर। आप जंप मार दें लिक्विड के अंदर, लिक्विड आपकी स्पीड को स्लो कर देगा। कोई बॉडी लिक्विड के अंदर फेंक दें, स्पीड स्लो हो जाएगी, क्योंकि लिक्विड क्या लगाता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उसको क्या बोलते हैं? विस्कस ड्रैग। चाहे विस्कस ड्रैग है, चाहे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है तो फोर्स है, तो किसी टाइम की फोर्स। तो फॉर्मूला क्या करना? डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का ही बोल दो ना, क्या होगा? फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? एम एल टी माइनस टू। तो यानी कि दोनों के दोनों किस कैटेगरी में आएंगे? फोर्स की कैटेगरी में आएंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो अगर ये दोनों नाम आ जाएं तो वो फोर्स ही कहलाएगी, क्लियर है यहां तक? अच्छा, अगर कोई वेलोसिटी आ जाती है, वो नाम चेंज कर देता है, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? एल टी माइनस वन। तो आपको पेपर में पूछने वाला कहता है, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला टर्मिनल वेलोसिटी? आप कहेंगे टर्मिनल नहीं करवाया सर ने। चाहे टर्मिनल वेलोसिटी हो, चाहे मेरी कार की वेलोसिटी हो, आपके स्कूटर की वेलोसिटी हो, चाहे मेरी, चाहे आपकी किसी के भी वेलोसिटी हो, चाहे एवरेज वेलोसिटी हो, चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो, चाहे फाइनल वेलोसिटी हो, एल टी माइनस वन ही रहेगा। वेलोसिटी तो वेलोसिटी रहेगी ना, चाहे वो कोई भी नाम से आ जाए, वेलोसिटी एल टी माइनस वन ही रहेगी। तो ऐसे वो बहुत सारे नाम चेंज करता रहेगा, लेकिन एक्चुअल टर्म तो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी वेलोसिटी रहेगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट, जैसे एक टर्म आएगी टेंशन, तो ये टेंशन क्या होती है? जो पेपर से पहले होती है, नहीं, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, तो वो मेजरेबल नहीं है, ठीक है। ये टेंशन क्या चीज़ है? अगर एक रस्सी ली जाए, रस्सी को खींचा जाए, स्ट्रिंग ली जाए, उसको खींचा जाए, स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी, अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो रस्सी है, वो टाइट हो जाती है एकदम। और ज़्यादा फोर्स लगाओगे, हो सकता है रस्सी टूट जाए। तो रस्सी टाइट हो जाएगी, रस्सी में फोर्स आ जाती है, रस्सी की फोर्स को, स्ट्रिंग के अंदर की फोर्स को टेंशन बोलते हैं। आप ये नहीं कह सकते मैंने इसको धक्का मारा तो मैंने इसको टेंशन दी, ना ना ना, वो टेंशन, वो फोर्स ही थी। मैंने जो रस्सी को खींचा, रस्सी टाइट होगी, तो रस्सी के अंदर फोर्स को क्या बोलते हैं? टेंशन। तो टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला भी किसका रहेगा? एग्जैक्टली फोर्स का, एम एल टी माइनस टू।
ठीक है, तो कोई फर्क नहीं है इसमें। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट इज सरफेस टेंशन। आप कहोगे टेंशन और सरफेस टेंशन, मतलब सरफेस की फोर्स, सरफेस टेंशन सरफेस की फोर्स, बिल्कुल सही है। सरफेस टेंशन करके एक चैप्टर आएगा। देखो आप एक पॉइंट को, अगर मैं 45 फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ ना, कम से कम, नहीं तो ये फॉर्मूलाज नहीं है, ये चैप्टर के नाम है। टॉर्क सीखने में एक हफ्ता लगता है, सरफेस टेंशन सीखने में एक हफ्ता लगता है, सर्कुलर मोशन में कम से कम 10 दिन लगते हैं। तो मतलब कि ये सब चीज़ें 10-10, 15-15 दिन और एक एक महीने की, को नाम एक है, वो चैप्टर का नाम है पूरे का पूरा। तो ये जो मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, ये पूरे प्लस वन के फॉर्मूला है, एक साल लग जाएगा इन सारे फॉर्मूलाज को स्टडी करने में। तो आज समझने की कोशिश ना करें क्या चीज़ है। हाँ, मैं एक इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ। जैसे सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन लिक्विड्स के अंदर डेवलप होती है, लिक्विड की फोर्सेस को सरफेस टेंशन बोलते हैं। लिक्विड के अंदर क्या होता है, लिक्विड के अंदर जैसे सपोज ये लिक्विड की सरफेस है, मान लो ये वाटर है और मान लो ये एयर है, ठीक। आपको लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है, लिखना आपको फॉर्मूला ही है सिर्फ, ये इसलिए ताकि आप फॉर्मूले से जान पहचान कर लें। तो मान लो ये लिक्विड की सरफेस है, अंदर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये मान लो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक, और ये किसके मॉलिक्यूल्स हैं, ये एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ऊपर एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं और एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, कोई डाउट इसमें? अब मॉलिक्यूल्स की नेचर होती है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, केमिस्ट्री में सिखाएंगे आपको, उनको इंटर या इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं। पानी का मॉलिक्यूल पानी के मॉलिक्यूल को खींच रहा है और एयर का मॉलिक्यूल एयर के मॉलिक्यूल को भी खींच रहा है और एयर का मॉलिक्यूल पानी को खींच रहा है, पानी का मॉलिक्यूल एयर को भी खींच रहा है, हर मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींचता जा रहा है। तो आप कहोगे फिर इसका क्या हुआ, अगर इसको कोई खींच रहा है तो इट इज़ सराउंडेड बाय मेनी अदर पानी के मॉलिक्यूल्स, तो ये पानी का मॉलिक्यूल इसे खींच रहा है, ये पानी का मॉलिक्यूल इसे खींच रहा है, तो आपस में फोर्सेस कैंसिल हो जाती हैं, ना वो उधर जाता है ना वो इधर जाता है, इक्वल फोर्सेस हैं तो मूव नहीं कर पाता। तो इसके सराउंडिंग में जितने भी पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में फोर्स लगा रहे हैं, तो नेट फोर्स इस मॉलिक्यूल पे क्या हो जाती है, जीरो, तो ये रेस्ट पे रहता है। करने को तो फिर पानी का मॉलिक्यूल तो आराम से ऐसे मूव करता हुआ दिखेगा, पानी हिलता दिखेगा, पानी ग्लास में रखा पानी हिल रहा है, क्यों जी, सर ने कहा था मॉलिक्यूल खींच रहे हैं, पानी नहीं हिलता जब तक हिलाओ ना, क्यों, क्योंकि नेट फोर्स क्या होती है, जीरो। अब प्रॉब्लम कहां पर आती है, प्रॉब्लम आती है एयर और पानी के इंटरफेस पे। यहां क्या समस्या है, यहां पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, इस पानी के मॉलिक्यूल को पानी का मॉलिक्यूल खींच रहा है, बिल्कुल खींच रहा है, लेकिन इस पानी के मॉलिक्यूल को साथ में कौन खींच रहा है, एयर का मॉलिक्यूल भी खींच रहा है। कौन ज्यादा जोर की खींचेगा, एयर खींचेगी ज्यादा जोर की फोर्स से या पानी खींचेगा? अगर एयर खींचेगी फिर तो इसका कुछ ना बचता, उठा के ले जाएगी इस मॉलिक्यूल को, चल हमारे साथ चल, फिर अगले को भी उठा, पूरा पानी साफ कर देगी एयर। आप गिलास रखते हो, एयर आती है, एयर पानी पी जाती है, खत्म, तो आपको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, जबकि ऐसा होता नहीं है, पानी पड़ा रहता है। इसका मतलब कि एयर के मॉलिक्यूल्स जो हैं पानी के मॉलिक्यूल को खींचते हैं, पर पानी का मॉलिक्यूल पानी के मॉलिक्यूल को ज्यादा जोर की खींचता है, मानते हो ये बात, कोई डाउट इसमें? तो कौन जीता, पानी पानी जीता, पानी एयर तो जीता नहीं। तो ये मॉलिक्यूल जो टॉप की सरफेस पे होगा ये कहाँ मूव करेगा, थोड़ा नीचे, क्योंकि ये सारी फोर्सेस बड़ी हो गई और एयर की फोर्स कमजोर हो गई, तो ये थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऊपर के टॉप के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, नीचे वाले तो रेस्ट पे ही हैं, जो टॉप के मॉलिक्यूल्स हैं वो एयर नहीं खींच पाती तो पानी खींच लेता, तो टॉप के मॉलिक्यूल नीचे की तरफ हो जाते हैं, तो जहां और मॉलिक्यूल्स हैं वहां टॉप के मॉलिक्यूल नीचे शिफ्ट हो जाते हैं और मॉलिक्यूल थोड़े टाइट हो जाते हैं सरफेस के ऊपर। टाइटनेस तो होगी होगी, क्योंकि देखो ना, ये मान लो, ये जैसे थोड़ा और क्लियर डायग्राम बनाता हूँ अगर मैं, तो इस डायग्राम के अंदर ये मान लो वाटर की सरफेस है, ये बात हो रही है सिर्फ उन मॉलिक्यूल की जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, तो नीचे ऑलरेडी पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, ये नीचे शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर थोड़ी भीड़ हो जाएगी मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि एयर तो खींच नहीं पाई, पानी खींच गया, तो पानी पानी के मॉलिक्यूल टाइट हो जाते हैं। अब मॉलिक्यूल जितने टाइट होते हैं तो सर जो मैटर है उसकी टेंडेंसी सॉलिड की तरफ चलनी स्टार्ट हो जाती है, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल हैं वो टाइट होते हैं, लिक्विड में थोड़े खुले होते हैं, ऐसे ही सिखाया जाता है आपको। तो जो टॉप की सरफेस है, मैं ये तो नहीं कहूँगा पानी सॉलिड हो गया, नहीं ऐसा होता नहीं है, पानी तो पानी रहता है। पानी के टॉप की सरफेस एक्ट्स लाइक अ मेम्ब्रेन, एक स्किन की तरह, पत्ती सी स्किन मेम्ब्रेन की तरह काम करती है।
ये चलते पानी की बात नहीं हो रही, ये खड़े पानी की बात हो रही है। चलते पानी में तो कुछ नहीं है, बस पानी उड़ता जा रहा है, ये तो खड़ा पानी है। खड़े पानी में जो टॉप की सरफेस है वो टाइट हो जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पास आ जाते हैं टॉप के, तो वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। अब सोचने वाली बात यह है, मेरे को आपको तैरना आ सकता है, तैरते कैसे हैं, पानी को धक्का मारते हैं, पीछे एक्शन रिएक्शन हम आगे की तरफ जाते हैं, और आर्किमिडीज कहता है जितना पानी आप डिस्प्लेस करोगे उतना ऊपर की तरफ फ्लोट करोगे, ऐसी कुछ कहानी हम सीखेंगे। मच्छर को तो नहीं तैरना आता ना, नहीं मच्छर को तैरना नहीं आपको, मैंने पानी में बैठा देखा, उसको माइक्रोस्कोप से देख लेना, वो हमारी तरह हाथ पैर नहीं मारता तैरने के लिए, मच्छर मर भी जाता है पानी में आपने देखा होगा, लेकिन कभी कभी बच भी जाता है। खड़े पानी में लाखों मच्छर बैठे होंगे, कुछ नहीं होता उन्हें, बैठे रहते हैं, पानी चल पड़ा मर जाएंगे, हो सकता है मर जाए, उड़ गए तो उड़ गए, नहीं उड़े तो गए। ऐसा क्यों? उसमें कोई आर्किमिडीज नहीं लग रहा, उनको तैरना नहीं आता, क्योंकि पानी की सरफेस जब खड़ी हुई है वो एक स्किन की तरह स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम कर रही है, तो जो मॉस्किटो है वो आराम से स्ट्रेच मेम्ब्रेन के ऊपर जाके बैठ जाता है, बैठा है, तैरता नहीं। जैसे ही पानी को हिलाओगे हो सकता है वो डूब जाए, क्योंकि मॉलिक्यूल सरफेस के पास पास हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि ये चैप्टर के अंदर क्या डील करने वाले हैं। तो इस चैप्टर को समझने की कोशिश ना करें, और क्वेश्चन ऐसा क्या होगा, लंबा है, हफ्ता लगेगा समझने में, पर इस प्रॉपर्टी को सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो सरफेस टेंशन क्या डील करेगा, बस ये बता रहा हूँ कि ये चैप्टर किस में डील करता है। तो एक्चुअल में ये लिक्विड की फोर्सेस पे डील करता है, और इसमें एक फॉर्मूला हम सीखेंगे आने वाले टाइम में, सरफेस टेंशन फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आपको आज की डेट में आना चाहिए, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। ये फोर्स मॉलिक्यूल की फोर्सेस होती है। तो सरफेस टेंशन में जो फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला सबको पता है, और लेंथ का क्या है, एल, एल से एल कैंसिल, आंसर क्या आ गया, एम टी माइनस टू। क्या है पॉइंट, क्लियर है यहां तक? तो ये सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब इसी तरीके से मिलता जुलता इसी चैप्टर का एक और फॉर्मूला है, जिसको बोलते हैं सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, वैसे तो मैंने आपको बताया था, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वर्क डन हो, चाहे हीट एनर्जी हो, चाहे कोई एनर्जी हो, सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहता है, एम एल टू टी माइनस टू। लेकिन एक चीज का डायमेंशन फॉर्मूला सेम नहीं रहता, और वो क्या? सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी पोटेंशियल और काइनेटिक की तरह नहीं होती, इसका अलग फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया, एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया, हम चैप्टर में पढ़ेंगे इसे। तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, एम एल टू टी माइनस टू, और एरिया का क्या है, एल का स्क्वायर, एल स्क्वायर कैंसिल, आंसर क्या आ गया, एम टी माइनस टू। मजे की बात है, सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, कोई फर्क नहीं है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन सेम है। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, सरफेस एनर्जी का टॉपिक कहाँ काम आता है। मैंने आपको कहा कि एक मान लो एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक को धक्का मारा मैंने, फोर्स लगाई 10 न्यूटन, और वो डिस्प्लेस हुई बाय 5 मीटर। तो मैंने पूछा वर्क डन कितना है, आपने बोला 10 × 5 50 जूल, डन। अच्छा, मैंने कहा वर्क डन कैलकुलेट करने आते हैं? आपने कहा हाँ, मुझे वर्क डन कैलकुलेट करने आते हैं। मैंने कहा ठीक है, एक और एक्सरसाइज करते हैं, मेरा वर्क डन कैलकुलेट करो। क्या वर्क डन करना है? मैं एक सोप साबुन का एक सोल्यूशन लूंगा, बच्चों की तरह पाइप लूंगा, और एयर को ब्लो करूंगा, बबल फूलेगा, सोप का एक गुब्बारा फूलेगा, बच्चे फुलाते हैं ना, बबल्स हवा में उड़ाते हैं। भाई मैंने कहा मेरे मुंह से वर्क डन किया, हवा फेंकने में वर्क डन किया, बोलो वर्क डन कितना है? आप कहोगे यार ये क्या बात बनी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट थोड़ा लगेगा इसमें, तो क्या लगेगा? सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगता है। तो जब ऐसे वर्क डन कैलकुलेट करने होते हैं तो उसमें नॉर्मल फॉर्मूला लगते नहीं है, उसमें सरफेस एनर्जी लगती है, वहाँ ये काम आएगा ये टॉपिक सरफेस एनर्जी। आपको अभी नहीं सीखना, जस्ट साथ साथ बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ ये चैप्टर्स में हम क्या क्या करने वाले हैं। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो दो फॉर्मूलास क्लियर है। वैसे तो इसका फॉर्मूला नहीं भी याद करोगे और सरफेस टेंशन का याद कर लोगे तो बात तो एक ही है, तो जरूरी याद करना है, एक ही कह दो, एक ही बात है। तो क्लियर है यहां तक? ठीक, नेक्स्ट फॉर्मूला, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस। ठीक, नेक्स्ट फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी तो आपने सुनी हुई है, फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या होता है? अच्छा बोलो, वो तो यूनिट्स होते हैं, सिंबल सिंबल एफ, एफ से लिखते हैं एफ, या फिर ये भी सिंबल होता है, इसको बोलते हैं न्यू, न न्यू, ये सिंबल होता है म्यू, म म्यू, म से, ये न से, तो न्यू म्यू, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ईटा न्यू म्यू, सब आपको आ जाएंगे, रोज़ रोज़ यूज़ करेंगे सब ठीक हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी कई कई ऑथर्स एफ लिखते हैं, कई न्यू लिखते हैं, एक ही बात है, क्लियर है? क्या फॉर्मूला है इसका? वन अपॉन टाइम, कुछ ऐसा सुना होगा आपने, सुना हुआ है? अच्छा मैं सुना देता हूँ, फ्रीक्वेंसी होती क्या है, एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशन है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एग्जांपल है, एक सर्कल में एक बॉडी घूम रही है, एक चक्कर कैपिटल टी टाइम में पूरा करती है, एक रेवोल्यूशन कैपिटल टी टाइम में पूरा करती है, राइट? तो कैपिटल टी सेकंड में कितने रेवोल्यूशन पूरा करती है? एक। तो वन सेकंड में कितने रेवोल्यूशन पूरी करेगी? वन बाई टी, इसी को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तो क्या होगा? वन अपॉन टी। तो लिख लो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वन बाई टी, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा? वन अपॉन टी का मतलब टी की पावर माइनस वन। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? टी की पावर माइनस वन क्यों होगा? पर रेवोल्यूशन पर सेकंड का होता है ना, कैपिटल टी सेकंड में एक रेवोल्यूशन है, एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशन है ये कैलकुलेट करो। अगर दो चक्कर घुमाने हैं, दो चक्कर लो, वो कह रहा है दो चक्कर घुमाओ जी, एक चक्कर पसंद नहीं मुझे, ये लो दो चक्कर घुमा दो, ये लो, दो चक्कर का टाइम क्या है? टू टी। तो टू टी सेकेंड में कितने चक्कर हैं? दो रेवोल्यूशन हैं, तो वन सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन हैं? टू डिवाइडेड बाई टू टी। अब ठीक है, टू से टू कैंसिल, एक ही बात है, क्लियर है यहाँ तक? तो पर सेकेंड तो वन बाई टी ही रहेगा, ठीक। चलो आपने क्वेश्चन पूछा तो मैंने आंसर दिया, अदरवाइज जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है, ये भी क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट फॉर्मूला इज टॉर्क, टॉर्क या आईसीएसई वाले करते हैं, सीबीएसई वाले नहीं करते, ऐसा कुछ रहता है इनका। टॉर्क, टॉर्क का जो सिंबल होता है वो होता है टाओ, 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 तो ये सिंबल है इसका, अल्फा बीटा गामा ईटा न्यू म्यू टाओ, एक और, ये सब जब चैप्टर पढ़ेंगे सब आदत पड़ जाएगी आपको। तो टाओ, तो इसका ये होता क्या है, जब आप एक बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो वो कैसे मूव करती है, जैसे एग्जांपल है, ये मान लो आपके पास एक बॉडी है, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई, मूव ही नहीं कर रही, आपने इधर फोर्स लगाई, ये मूव कर रही है, कर रही है, आपने ऐसे फोर्स लगाई, देखो ये मूव भी कर रही है और घूम भी रही है, घूम, यानी कि फोर्स कैसे लगाई इसकी मोशन डिसाइड कर देगी, चाहे ये पड़ी रहे, फोर्स खराब भी जा रही है, फोर्स मूव भी करवा रही है, फोर्स घुमा भी सकती है। तो जब फोर्स घुमाती है, घुमाती है बॉडी को, रोटेट करवाती है, तो हम बोलते हैं कि इसका टर्न, जो फोर्स है उसका टर्निंग इफेक्ट को हम टॉर्क बोलते हैं, तो ये टर्न होती है, तो फोर्स लगाने से ये कितना टर्न हो रही है उस अफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क जनरेट हो रहा है। गाड़ियों के अंदर भी आपने देखा होगा टॉर्क का मीटर लगा होता है, कितना टॉर्क है, अब रेस दबाते हैं फटाफट टॉर्क की सुई घूमती है, तो नंबर ऑफ रोटेशन उसमें जितनी ज़्यादा होती हैं, जितना टायर घूमता है जल्दी जल्दी कम टाइम में, टॉर्क उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, पिकअप ज़्यादा होती है गाड़ी की भी। तो टॉर्क निकालने का फॉर्मूला होता है, और टॉर्क निकालने का क्या फॉर्मूला है, टॉर्क निकालने का फॉर्मूला, और ये सर्क रोटेशन में ही रहता है, टॉर्क निकालने का फॉर्मूला है फोर्स इंटू रेडियस, फोर्स इंटू रेडियस, तो कितनी फोर्स लगाई और बॉडी को घुमाने वाले का कितना रेडियस है। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, एम एल टी माइनस टू, और रेडियस का क्या है, एल, मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, एम एल टू। एक बात बताओ, ये करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, फोर्स इंटू रेडियस या फोर्स इंटू डिस्टेंस, बात तो एक ही है, फोर्स इंटू डिस्टेंस तो वर्क डन भी होता है, तो चेक करो वर्क डन का, पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, टॉर्क का, सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम ही तो है, तो आप वर्क का ही याद कर लो, तो टॉर्क का फॉर्मूला याद करने की आपको ज़रूरत है ही नहीं। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक,
करना है कर लो, अदरवाइज नहीं भी करोगे तो भी आपका ये फॉर्मूला वर्क के साथ मैच करेगा। ठीक, नेक्स्ट है, नेक्स्ट एक टर्म है, ये केमिस्ट्री में सिखाएंगे आपको, जिसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। अभी केमिस्ट्री में स्टार्ट होगा प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला है एनर्जी इनटू टाइम। ये याद ही करना पड़ेगा, एनर्जी का था एम एल टू टी माइनस टू, टाइम का क्या है टी, तो मल्टीप्लाई करो एम एल टू टी माइनस वन। तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला है। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट इज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका सिंबल इज ईटा, ये ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। ठीक, देखो विस्कोसिटी या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या टर्म है, ये पूरा चैप्टर है आपके सिलेबस में। कुछ लिक्विड्स ऐसे हैं जो कि पतले हैं, पानी पतला लिक्विड माना जाता है। आप ट्यूब में पानी को तेज मूव करवाओ, क्या स्पीड आती है पानी की, सबको पता है, आराम से स्मूथ फ्लो है। ओके, लिक्विड चेंज कर दें, शहद हनी डालो, पाइप में हनी डालो, मूव कर जाए मेरे को बोल देना, धक्का मारोगे तब भी मूव नहीं करेगा, इतना स्लो है। गाढ़ा लिक्विड है तो इसको विस्कस लिक्विड बोलते हैं, गाढ़ा लिक्विड नहीं, थिक लिक्विड नहीं, विस्कस लिक्विड है। पानी पतला लिक्विड है, पतला नहीं, नॉन विस्कस लिक्विड है। तो कुछ लिक्विड्स थिक हैं, विस्कस हैं, कुछ नॉन विस्कस हैं। तो ये एक ऐसी वैल्यू है ईटा, जितनी ज़्यादा कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू होती है किसी भी लिक्विड की, वो उतना ही थिक होता है, विस्कस होता है, शहद की तरह। और अगर ईटा कम रहेगा तो उतना ही पतला होता जाएगा पानी की तरह। तो ऐसा कुछ हम स्टडी करेंगे, पर अभी फिलहाल तो मुझे इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताना है। तो इसको डायमेंशन फॉर्मूला सीखने के लिए एक फॉर्मूला नोट करें, 6 पाई ईटा r इंटू वी। एक ना एक्सपेरिमेंट किया गया, एक स्फेयर लिया गया, स्फेयर का रेडियस है r और वेलोसिटी है v। स्फेयर को पानी में गिरा गया, जब पानी में गिरा ना तो पानी ने उसको अपोज किया है ना, स्फेयर की वेलोसिटी को स्लो किया। तो ये जो एक्सपेरिमेंट में ये जो फोर्स है ये उसकी अपोजिंग फोर्स है, ये जो फोर्स है इसकी अपोजिंग फोर्स है, ये रेडियस है स्फेयर का, ये वेलोसिटी है स्फेयर की, और ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो चैप्टर में डिस्कस करेंगे जब आएगा, पर हाँ ये फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें ईटा यूज़ हो रहा है। तो ईटा का फॉर्मूला क्या बना, एफ डिवाइडेड बाय 6 पाई इंटू r इंटू वी। 6 पाई तो कांस्टेंट है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, एम एल टी माइनस टू, रेडियस का क्या है l, वेलोसिटी का क्या है एल टी माइनस वन, तो यहाँ से l से l कैंसिल, आंसर आ गया एम एल माइनस वन टी माइनस वन। बहुत बार यूज होता है ये, कम से कम 10 बार यूज होगा अगले चैप्टर में, मतलब अगले लेक्चर में, इतनी बार यूज होगा बिलीव मी आप ये फॉर्मूला भूल जाओगे, आपको सीधा ये याद हो जाएगा कुछ दिनों में एम एल माइनस वन टी माइनस वन, इतनी बार यूज होगा। जैसे वेलोसिटी का क्या होता है एल टी, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, अच्छा ये भी याद नहीं हुआ अभी, ओके तो एल टी माइनस वन, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का एम एल माइनस वन टी माइनस वन आपको याद हो जाएगा। और इसको एक और चीज़ बता दूं मैं, इस चैप्टर को स्टार्ट जब करते हैं ना तो इसके दो टेस्ट होते हैं, दो टेस्ट स्टार्ट करने से पहले होते हैं फॉर्मूलाज फॉर्मूलाज के। दो क्यों, क्योंकि एक में ठीक परफॉर्मेंस कभी आज तक आई नहीं स्टूडेंट की, पक्का रिकॉर्ड है, बने ही दो हुए हैं, वो एक एक में 10 फॉर्मूले दूंगा, 4 याद ही नहीं होंगे, 6 लिख दोगे 4 नंबर कटा लोगे, फिर मैं कहूँगा नहीं टेस्ट में मज़ा नहीं आया, फिर कहूँगा एक और टेस्ट होगा, फिर एक और टेस्ट दूंगा 10 फॉर्मूलाज का, फिर मज़ा आएगा, फिर आएंगे नंबर, राइट। तो ये दो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ये जिसको SOP बोलते हैं इस चैप्टर का, 2 बार करने के बाद ही फॉर्मूला याद होगा, सही बोल रहा हूँ ना, ऐसे कैसे होगा। ठीक है, तो मैं टेस्ट का आपको
पूरा प्लान बता दूंगा, व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, अगली बार तो आना नहीं है, कब किस दिन क्या टेस्ट होगा, छोटे छोटे टेस्ट होंगे तो मैं बता दूंगा। पहला टेस्ट आपका डिफ्रेंसिएशन है, दूसरा इंटीग्रेशन है, तीसरा एरर्स है, चौथा ये फॉर्मूलाज के दो टेस्ट हैं, पाँचवा फिर एरर्स का ऑब्जेक्टिव है, और फिर उतनी देर में यूनिट्स एंड डायमेंशन भी तैयार हो जाएगा। तो मतलब अभी 5-6 तो लाइन में लगे पड़े हैं, अगले 15 दिन में 5-6 तो निकल ही जाएंगे, तैयारी भी तभी होगी। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, ये फॉर्मूला क्लियर है, याद हो गया ML-1T। मैं आप नोट करो, मैं आपको ये याद करने को कभी नहीं कहता, पर एक ये फॉर्मूला जरूर है जिसको मैं चाहता हूँ कि आप याद ही कर लो, ML-1T-1। ठीक है, क्योंकि ये कम से कम 10-15 हर तीसरा क्वेश्चन इससे बना हुआ है यार, तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी के बाद वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट और अगला नेक्स्ट इज, साथ ही लिख लो, प्रेशर ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड प्रेशर ग्रेडियंट। देखो जब भी वर्ड ग्रेडियंट आ जाता है तो कोई भी टर्म के पीछे ग्रेडियंट है वो डिस्टेंस से डिवाइड कर दो। जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट को लिखा जाएगा वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ऐसी प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब प्रेशर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। ठीक, तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, LT-1 बाय डिस्टेंस का क्या है, L, कैंसल, क्या आएगा, T-1। क्लियर है यहां तक? और प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, ML-1 कितना है, T-2, चेक करो प्लीज। अच्छा नहीं चेक, मेरे को भी याद नहीं है, कोई बात नहीं, -2 ही है ना, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या है, L, तो आंसर आ गया ML-2 T-2। राइट, वैसे एक बात बताऊं, प्रेशर का मुझे याद नहीं है, तो आप भी, आपको भी याद नहीं रहेगा टेस्ट में, तो आपको ना रफ में साइड पे प्रेशर का फॉर्मूला साइड पे फटाफट लिखना पड़ेगा, फोर्स बाय एरिया, फोर्स का मतलब ML-T-2, एरिया का मतलब L2, तो आंसर आएगा ML-1 T-2। तो रफ में करना पड़ेगा सारा कुछ, मैं भी भूल जाता हूँ फॉर्मूला, साथ साथ बनाने पड़ते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तो दो फॉर्मूलास, क्या नंबर आ गया लिस्ट का, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज फोर्स कांस्टेंट। नेक्स्ट फॉर्मूला इज फोर्स कांस्टेंट, राइट, फोर्स कांस्टेंट होता है फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ML-T-2, डिस्टेंस का L, L से L कैंसल, MT-2। MT-2 फॉर्मूला सरफेस टेंशन का भी सेम था, और सच बताऊं तो ये फॉर्मूला भी सेम ही है, चेक करो, फोर्स अपॉन लेंथ, सरफेस टेंशन क्या होती थी, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, तो फोर्स बाय लेंथ या फोर्स बाय डिस्टेंस बात तो एक ही है। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, तो ये फॉर्मूला भी क्लियर है। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला इज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूज होता है ये, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जिसका सिंबल पता है क्या होता है, कैपिटल जी, कैपिटल न्यूटन ने जो निकाला था, हाँ नाइन्थ में किया होगा, जिसकी वैल्यू 6.67 × 10^-11 रहती है। तो इसकी हिस्ट्री क्या है, न्यूटन ने कहा था कि अगर दो मासेज हैं M1 एंड M2 सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस ऑफ r, तो न्यूटन ने ही कहा था कि कोई भी दो मासेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसके प्रोपोर्शनल है, M1 into M2। न्यूटन ने कहा था कि जो फोर्स है
वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर का स्क्वायर। तो इन्हें अगर कंबाइन करें तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू एम वन इंटू एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और प्रोपोर्शनल की जगह कॉन्स्टेंट लगता है, और उस कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या रखी जाती है, जी। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो आपको एक ऐसा फॉर्मूला मैंने बता दिया फोर्स का जिसमें कैपिटल जी यूज हो रहा है, जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिखें प्लीज, ये फॉर्मूला लिखें। इसमें क्या करेंगे, देखो इसके अंदर हमें कैपिटल जी निकालना है, तो कैपिटल जी को एक तरफ, तो क्या आएगा, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम वन इंटू एम टू। तो ये कैपिटल जी का फॉर्मूला आ गया। तो इसमें फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एम एल टी माइनस टू, आर का क्या है, एल का स्क्वायर, मास का एम, दूसरे मास का एम, एम से एम कैंसल, एम की पावर माइनस वन, एल की पावर थ्री, टी की पावर माइनस टू इज द आंसर। आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कैपिटल जी काफी यूज होता है।
ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी क्लियर है। जब ये जी का फॉर्मूला आता है ना, सच बताऊँ मेरे को ये याद नहीं होता कभी भी, मैं इसे याद ही नहीं कर पाता। तो फिर मैं क्या करता हूँ, बनाता हूँ बैठ के जैसे ये बनाया, और क्या करूँगा। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आप देखेंगे जी का फॉर्मूला ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं, तो साइड पे रफ पे फिर ये बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप ही बनाना। नेक्स्ट है ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जिसका फॉर्मूला माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर। और एक और फॉर्मूला है इसी के बेस पे, ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशन पोटेंशियल, यहाँ पे लिखें पोटेंशियल, ठीक है, जिसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है माइनस जी एम बाई आर। मैं इनके बारे में ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा ये क्वांटिटीज़ क्या हैं, क्योंकि ग्रेविटेशन चैप्टर आएगा जिसमें प्लैनेट्स को स्टडी किया जाता है, उसमें ही आता है। तो इसमें बस आप ये देखो कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या था, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। फील्ड के अंदर, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एक मास आएगा, दो मासेज नहीं आएंगे, एम वन एम टू की जगह एक मास एम है। पोटेंशियल में मास भी एक है और डिस्टेंस भी एक ही है आर। जी का फॉर्मूला बताना जरा क्या था अभी, माइनस साइन का ना तो यूनिट्स पे कोई फर्क पड़ता है ना डायमेंशन फॉर्मूले पे फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं। बोलो जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था, एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। ओके, जी आ गया, मास की जगह एम और आर की जगह एल का स्क्वायर। तो आंसर आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, एम और एम भी कैंसिल हो जाएंगे, एम और देखो ना एम भी कैंसिल, ये रहा। तो आंसर आएगा एल टी माइनस टू, क्लियर है। और ऐसी इसमें जी का फॉर्मूला पुट करेंगे, एम की पावर माइनस वन एल की पावर थ्री टी की पावर माइनस टू इन टू मास एम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस की जगह एल। क्लियर है यहाँ तक? तो इसे अगर सॉल्व करेंगे तो एक एल से एक एल भी कैंसिल होगा, एम से एम कैंसिल होगा, तो आंसर क्या आएगा, एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये वैसे कम यूज़ होते हैं दोनों फॉर्मूलाज, कैपिटल जी ज़्यादा यूज़ होता है और ये दो फॉर्मूला थोड़े कम यूज़ होते हैं, पर अगर हो जाए तो मैं लिस्ट में नाम लिखवा दिया आपका। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो ज़्यादातर कैपिटल जी यूज़ होता है, जो मैंने आपको भी करके दिखाया है, कैपिटल जी का तो आपको याद ही हो गया होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट फॉर्मूला जो काफ़ी यूज होता है, जो यूज होता है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंबल इज आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला इज आई इज मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा चैप्टर है इटसेल्फ, जो कि कम से कम तो तीन लेक्चर में ख़त्म होगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ यूज़ होता है, जब कोई बॉडी घूमती है, रोटेट करती है, तो जो उसकी रोटेशन है वो उसके मास पे और शेप पे डिपेंड करती है। जैसे मान लो एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन से आपने एक स्फेयर को छोड़ दिया, आपने एक रिंग को ले लिया, आपने एक डिस्क को छोड़ दिया, तो तीनों इकट्ठी को छोड़ा, लेकिन कोई स्फेयर पहले आ रहा है, रिंग बाद में आ रही है, डिस्क बाद में आ रहा है, तो शेप रोटेशन में अपना जो है रोल प्ले करता है। तो वो शेप को कौन डिसाइड करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मैं चैप्टर में पढ़ाऊंगा, पर फिलहाल के लिए फॉर्मूला क्या याद करेंगे, मास इनटू रेडियस स्क्वायर। तो मास का फॉर्मूला बोलो क्या है, एम, और रेडियस का क्या है, एल का स्क्वायर। तो क्या आंसर आएगा, एम इनटू एल का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ये काफ़ी यूज होता है, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। एक इसी चैप्टर का एक और फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का मतलब बॉडी जब स्ट्रेट लाइन में, मोमेंटम इज लीनियर मोमेंटम, जब बॉडी रोटेट कर रही है तो मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। इसका सिंबल है एल, इसका सिंबल ही एल है, और लेंथ नहीं है, एल सिंबल ही एल है। तो एल इज इक्वल टू क्या, इसका फॉर्मूला है आई इंटू ओमेगा, वेयर एल इज नोन एज व्हाट, एंगुलर मोमेंटम।
एंगुलर मोमेंटम, आई इज नोन एज मोमेंट ऑफ एनर्शिया, एंड ओमेगा क्या था? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, याद है? तो बोलो फिर इस केस में आई का फॉर्मूला क्या है? एम एल स्क्वेयर, और ओमेगा क्या क्या था? टी की पावर माइनस वन. तो आंसर इज एम एल टू टी माइनस वन. आंसर ठीक है यहां तक? ठीक, कोई डाउट इसमें? तो ये फॉर्मूला आ गया एंगुलर मोमेंटम का. एक ना एनर्जी का फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं रोटेशनल, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी. रोटे देखो, एक होता है सिंपल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि लीनियर काइनेटिक एनर्जी. ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर. जब कोई बॉडी रोटेट करती है, घूमती है, तो एनर्जी को बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. पर हम इसका फॉर्मूला नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका फॉर्मूला इट्सेल्फ वही सेम है, एम एल टू टी माइनस. सिंपल जो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, सबका फॉर्मूला विल रिमेन सेम. ऐसे कर लो, यहाँ पे ये भी लिख लो, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला एग्जैक्टली सबका क्या रहेगा? सेम. तो कोई फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, बस एनर्जी का फॉर्मूला चलेगा इसमें. कोई मर्जी एनर्जी का फॉर्मूला लगा देना. क्लियर है? ठीक है, कितने फॉर्मूले हो गए? 36. ठीक है, नेक्स्ट. नेक्स्ट इज चार्ज. चार्ज आपने सुना होगा, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम. तो चार्ज क्या है? करंट इनटू टाइम. करंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? ए. और टाइम का टी. तो चार्ज का क्या बन गया? ए टी. एम्पियर इनटू टाइम, ए टी. ठीक है, ठीक. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल याद है? वी आप करते थे टेंथ में वी. तो इसका फॉर्मूला क्या होता था? वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर एक और टर्म है इसकी जगह, पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस एक ही बात है, पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो फॉर्मूला इज वर्क डन बाय चार्ज. ठीक है यहां तक? वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? एम एल टू टी माइनस टू. और चार्ज क्या क्या है? ए टी. तो सॉल्व करेंगे तो आएगा एम इंटू एल टू इंटू टी माइनस थ्री ए माइनस वन. ये लो फॉर्मूला आ गया. ठीक, टाइम बता देना क्या है. क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस आ गया. नेक्स्ट फॉर्मूला इज रेजिस्टेंस. ओम लॉ याद करो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? वी डिवाइडेड बाय आई. तो वी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन. और करंट का मतलब क्या है? ए. तो क्या आंसर आएगा? एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू. रेजिस्टेंस टी का, टी माइनस फोर कैसे हुआ? वी पॉन. ठीक है यहां तक? क्लियर है? नेक्स्ट इज स्पेसिफिक हीट. नेक्स्ट इज स्पेसिफिक हीट, सी या एस से रिप्रेजेंट करते हैं. तो फॉर्मूला इज क्यू इज एम सी डेल्टा टी. डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर. तो एम सी डेल्टा टी. तो इसके अंदर
ये टर्म क्या बताती है, जैसे आप कोई भी आपके पास एक मैटर है, कोई भी सब्सटेंस है जिसका मास क्या है, एम मास है, तो आपने उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है बाय डेल्टा टी। जैसे मान लो इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस और थोड़ी देर के बाद टेम्परेचर 120, तो डेल्टा टी कितना होगा, 120 माइनस 20 कितना, 100। तो आपने इंक्रीज किया टेम्परेचर, तो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अगर आपको इंक्रीज करना है तो आपको क्या देनी पड़ेगी, हीट। तो आपने हीट दी ताकि टेम्परेचर इंक्रीज हो। अब हीट कितनी देनी पड़ेगी वो डिपेंड करेगा उसका मास कितने, ज़्यादा मास है ज़्यादा हीट है, कम मास है कम हीट है। इतना सा मास का टेम्परेचर 120 इंक्रीज करवाना है तो हीट कम देनी पड़ेगी, मास बढ़े तो हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो मास पे डिपेंडेंट है, डेल्टा टी पे डिपेंडेंट है हीट, जितना बड़ा डेल्टा टी होगा हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी, मास ज़्यादा होगा हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी। और जिसकी स्पेसिफिक हीट, वो जो मैटर है जो जिसको गर्म करना है वो किस मटीरियल का बना हुआ है उस पर भी तो डिपेंड करेगा सब कुछ। वो मटीरियल कैसा है, कोई मटीरियल ऐसे हैं जिनकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, जिनकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है उसको हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी, जिसकी स्पेसिफिक हीट कम है उसको हीट कम देनी पड़ेगी। तो यानी कि मटीरियल टू मटीरियल भी वेरी करता है, और वो जो मटीरियल है उसको कौन, हम किससे डिनोट करते हैं, स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या बन गया, क्यू डिवाइडेड बाई एम डेल्टा टी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, एम एल टू टी माइनस टू, मास का एम, टेम्परेचर का केल्विन, मास मास कैंसल, एल टू टी माइनस टू के माइनस वन इज द आंसर। ठीक है यहां तक क्लियर है, नेक्स्ट इज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट को भी एल से रिप्रेजेंट करते हैं वैसे, तो लेटेंट वर्ड शायद सुना भी होगा इसको, लेटेंट हीट में क्या, लेटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन, छुपा हुआ, लेटेंट हीट। जैसे आपके पास आइस है, आइस कितने टेम्परेचर पर है, आइस का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, आपने आइस को हीट दी, आइस मेल्ट हो गई, पानी बन गया, पानी 0 डिग्री सेल्सियस, तो हीट कहाँ गई, जबकि टेम्परेचर आइस का गर्म होना चाहिए था अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, स्टेट ऑफ मैटर क्या हुआ, चेंज हो गया। तो स्टेट ऑफ मैटर चेंज करने की हीट को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। हम पढ़ेंगे इसे, तो इसका फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एल, ये फॉर्मूला है। तो एल फॉर लेटेंट हीट, क्यू डिवाइडेड बाय एम। तो हीट का फॉर्मूला क्या है, एम एल टू टी माइनस टू अपॉन मास का क्या है, एम। तो आंसर आ गया कितना, एल टू टी माइनस टू। ठीक है यहाँ तक आंसर। और आखिर कितने हो गए, चार, दो ही रह गए वैसे तो। ठीक है, तो नेक्स्ट फॉर्मूला इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर। तो आपने गैस की इक्वेशन शायद केमिस्ट्री में की होगी, नहीं की तो आपको करा देंगे। किसी भी गैस की इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय टर्म पी वी इक्वल टू एन आर टी या पी वी इक्वल टू आर टी। तो इसमें आर का मतलब है गैस कांस्टेंट। तो गैस कांस्टेंट का फॉर्मूला इज इक्वल टू पी वी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर टी। प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला बोलो क्या है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, वॉल्यूम का एल क्यूब, टेम्परेचर का केल्विन। तो आंसर आ गया एम एल टू टी माइनस टू के माइनस वन। गैस कांस्टेंट कभी कभी यूज हो जाता है, तो गैस कांस्टेंट नोट करें। ठीक है, और लास्ट फॉर्मूला बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है, दैट इज गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर।
ये केमिस्ट्री की टर्म है एवोगैड्रोस नंबर, शायद आपने स्टार्ट कर लियो, ठीक है। कुछ भी हो नंबर है ना, नंबर का कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता ही नहीं, हमें क्या लेना नंबर, नंबर तो नंबर है। तो जो डायमेंशन फॉर्मूला आर का है, न्यूमिनेटर में तो मैंने क्या पुट कर दिया, आर पुट कर दिया, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, वन। तो जो गैस कॉन्स्टेंट का है वही बोल्ट्समैन कॉन्स्टेंट का भी है। तो क्लियर है यहां तक? बस एनआरटी है पर नंबर ऑफ मोल्स में नंबर हम लेते नहीं है, ठीक, वन। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? फॉर्मूलाज की लिस्ट बुक्स में इससे भी बड़ी है, 80, 100, 120, प्लस टू के भी बीच में इंक्लूडेड है। मेरे हिसाब से इतने फॉर्मूला सफिशिएंट हैं कि आप एटलीस्ट प्लस वन के क्वेश्चन तो कर ही लोगे, क्योंकि लिमिट तो है ही नहीं, फिजिक्स खत्म नहीं होएगी ये, ना फॉर्मूलाज खत्म होने वाले हैं, तो कहीं तो रुकना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर रुकते हैं, प्लस टू के कुछ फॉर्मूलाज हैं वो नहीं हम कर रहे इसमें, सिर्फ प्लस वन के कर रहे हैं, आपका काम इसमें चल जाएगा। इन केस अगर कोई फॉर्मूला और जरूरत पड़ी उसी टाइम बना दूंगा, बता दूंगा कि ये फॉर्मूलाज चाहिए होंगे, अदरवाइज आज तक पड़ी नहीं है, वैसे आज तक यहीं तक काम चला हुआ है हमारा, ठीक है। तो यहां तक सबको क्लियर है? तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, हमने ये क्यों किए, 40 फॉर्मूले लिख दिए, 45 लिख दिए, एप्लीकेशन क्या है, करूं क्या इस फॉर्मूले का आप करके? तो अब हम क्या करेंगे इसकी एप्लीकेशन, तो मैं आपको आज एक एप्लीकेशन इसकी बताता हूं। आज हम इसको कंटिन्यू एप्लीकेशन में का एक आइडिया दे सकता हूँ हम ऐसा क्यों किया, लेकिन जो प्रैक्टिस है वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो आज बस 2 मिनट का काम, तो लिखो एप्लीकेशंस